लखनादौर तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम गणेशगंज में नर्मदा जी के भक्तों ने विशाल चुनरी पद यात्रा शुरू की। नर्मदा जयंती के मौके पर इस चुनरी यात्रा में बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया और नर्मदा मैया के जयकारे लगाए। नर्मदा चुनरी पद यात्रा हनुमान मंदिर से प्रारंभ की गई। यात्रा के प्रारंभ में हनुमान जी महाराज का पूजन किया गया। इसके बाद माँ खेरापति माता जी के पूजन के बाद हर हर नर्मदे जयकारे के साथ यात्रा शुरू की गई, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ग्रामीणों ने यात्रा कर रहे भक्तों के लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था की। इस विशाल नर्मदा चुनरी यात्रा का समापन 19 फरवरी को नरसिंहपुर के बरमान में सूरज कुंड नर्मदा घाट पर किया जाएगा। आयोजकों ने बताया कि नर्मदा चुनरी यात्रा का यह 5वां वर्ष है, जिसमें हर साल की तरह वे 4 दिन में 120 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण करेंगे। चुनरी यात्रा के समापन में विशाल भंडारा का भी आयोजन किया जाएगा। प्रति और संसार, इस वर्ष भी माँ नर्मदा जयंती के उपलक्ष में हमारे जो गणेशगंज से बरमान के लिए जो पदयात्रा होती है, इस वर्ष भी है। इसमें लगभग 200-250 लोग इस बार भी पदयात्रा करते हुए माई नर्मदा के दर्शन के लिए जा रहे हैं और माई नर्मदा को ये चुनरी अर्पण करेंगे और 19 तारीख को नर्मदा जयंती के दिन वहाँ पर जाकर भंडारा होता है, विशाल भंडारा होता है, जिसमें सभी क्षेत्र के लोग शामिल होते हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।